हेलो दोस्तों, फोकस अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपन बायोलॉजी के मुख्य टॉपिक पर बात करेंगे, जो है पादपों में जनन। और ये टॉपिक 11 और 12th क्लास दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि 11th पर भी बेस्ड है और 12th पर भी बेस्ड है। तो आज चलो अपन इस पर बात कर लेते हैं पादपों में जनन की, कि पादपों में जनन कैसे होता है और पादप अपनी समान संतति का निर्माण कैसे करते हैं। चलो यार, पादपों में जनन से पहले अपन देखते हैं कि पादप जनन कैसे करते हैं। तो पादपों में जनन से पहले अपन पादप जनन की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जनन क्या होता है। तो जनन या प्रजनन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने समान संतति का क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब जीव अपने समान बच्चे उत्पन्न करने की जो क्षमता रखता है उसे क्या कह देते हैं, प्रजनन कह देते हैं। अब जो पादप होते हैं, इनमें पादपों में जो जनन की प्रक्रिया होती है या फिर जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ये 3 प्रकार की नॉर्मली से पड़ी जाती है। एक तो होता है लिंगिक जनन, एक होता है अलिंगिक जनन, और एक होता है यहाँ पर कायिक जनन। जो कि अलिंगिक जनन और कायिक जनन एक ही पार्ट है, तो इसका बाद में बात करेंगे अपन। तो पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले लैंगिक जनन की, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो पादपों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है वो बात करते हैं यहाँ से अपन। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है। तो देखते हैं लैंगिक जनन की परिभाषा, कि परिभाषा क्या कहती है इसकी, कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक सलित होकर, सलित का मतलब यहाँ पर जुड़कर। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक सलित होकर किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का, यानी जायगोट बनाते हैं। और जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को कह देते हैं अपन लैंगिक जनन कह देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। तो यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है, परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या क्या जुड़ता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़ता है, और नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़कर किसका निर्माण करता है, युग्मनज का, यानी जायगोट का निर्माण करता है। तो बस लैंगिक परिभाषा में यही लिखना है आपको कि नर युग्मक और मादा युग्मक सलित होकर किसका निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। अब अपन जो लैंगिक जनन होता है पादपों में, ये पादप के मुख्य भाग में होता है। पादप के मुख्य भाग से लेकर मतलब कि नर युग्मक का निर्माण और मादा युग्मक का निर्माण, क्योंकि अपन को लैंगिक जनन में किसकी जरूरत पड़ रही है, नर युग्मक की और मादा युग्मक की, तो इनकी आवश्यकता पड़ रही है। तो इनका निर्माण कहाँ होगा वो भी तो देखें ना। तो जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक है, इसका निर्माण होता है पुष्प के अंदर। और पुष्प क्या होता है, आपका यहाँ पर एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि किसमें, पादपों में किसकी प्रक्रिया करता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो अपन देखते हैं पुष्प की संरचना, क्योंकि पुष्प की संरचना से आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो बात कर रहे हैं पुष्प की संरचना पर, तो आप पुष्प की संरचना जब पढ़ते हो तो उसमें विशेष प्रकार की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। बट अपन पहले पढ़ लेते हैं कि पुष्प होता क्या है। तो आपका जो पुष्प होता है वह एक तरह का रूपांतरित प्रव होता है। रूपांतरित प्रव का मतलब यहाँ पर यह रूपांतरित तना होता है, जो कि बदल कर किसमें रूपांतरित हो जाता है, पुष्प के अंदर रूपांतरित हो जाता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो पुष्प होता है वो तने का ही एक रूप है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि पुष्प की संरचना पर, तो पुष्प की संरचना को समझने के लिए इसको 4 भागों में या 4 चक्रों में बांटा गया है। कितने चक्रों में बांटा गया है, 4 चक्रों में बांटा गया है। तो पहला जो चक्र है उसे कहते हैं बाह्यदलपुंज, दूसरे चक्र को कहते हैं दलपुंज, तीसरे चक्र को यहाँ पर कहा जाता है उमंग, और चौथे जो चक्र है उसे यहाँ पर कहा जाता है जायाम। तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायाम, इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, या फिर 4 चक्रों में विभाजित किया गया है। तो अगर पढ़ते हैं पहले बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, तो बाह्य दलपुंज को यहाँ पर कैलेक्स भी कहा जाता है, और ये क्या होती है, हरे रंग की पत्तियां होती है। जब आप पुष्पों को देखते हो, जैसे आपने गुलाब देखा होगा तो गुलाब के नीचे हरे रंग की पत्तियां दिखाई देती है, वो हरे रंग की पत्तियां ही क्या होती है, यहाँ पर बाह्य दलपुंज होती है। क्या होती है, बाह्य दलपुंज। और ये बाह्य दलपुंज क्या काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं और पुष्प की सुरक्षा करने का काम करते हैं। और बात करें अगर अपन इसके नीचे की पार्ट की, तो नीचे का पार्ट क्या है, यहाँ पर दलपुंज। तो दलपुंज क्या होते हैं, ये रंगीन पत्तियां होती है या फिर रंगीन दल होते हैं। आपने देखा होगा जो गुलाब के लाल रंग की पत्तियां होती है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, दलपुंज या फिर कोरोला कहा जाता है। और यह रंगीन पत्तियां क्या काम करती है,
जिससे क्या होता है, परागण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें नई जन को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। अब ये जो परागण की क्रिया होती है ना, ये कीटों के द्वारा होती है। तो ये रंगीन पत्तियां क्या काम करती है, यानी दरकुंज क्या काम करते हैं, इन कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं, ताकि कौन सी क्रिया हो सके, परागण की क्रिया हो सके। तो दरकुंज यहाँ पर क्या है, ये रंगीन पत्तियां है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है डायग्राम में लाल लाल कलर की, ये दरकुंज है जिन्हें कोरोला भी कहा जाता है। अब क्या होता है, एक कंफ्यूजन ही आ जाती है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज को कभी कभी यहाँ पर दल और बाह्य दल भी लिख दिया जाता है। आप समझ जा रहे हो मैं यहाँ पर बाह्य दल और दल क्या होता है, जब आपकी ये जो पत्तियां हैं, मतलब ये दलपुंज की ये जो दिख रही है हरे कलर की पत्तियां, जब ये समूह में व्यवस्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज। बट अगर एक पत्ती की बात की जाए ना तो उसे क्या बोल दिया जाता है, सिर्फ बाह्य दल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, ओनली बाह्य दल बोल दिया जाता है। वैसे की वैसे यहाँ पर जब ये दल है, ये रंगीन पत्तियां है, ये अगर समूह में व्यवस्थित हो तो इसे क्या बोल देंगे, दलपुंज कह देंगे। बट अगर एक पत्ती की बात की जाए, ओनली एक रंगीन पत्ती की बात की जाए, तो उसे ओनली क्या बोल दिया जाता है, दल बोल दिया जाता है, ओनली इसे दल ही बोलेंगे, दलपुंज नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसा अपन ने बात कर ली बाहर दलपुंज कैसे लेते हैं, दलपुंज कैसे लेते हैं, वैसे अपन बात करते हैं तीसरे चक्र की, यानी तीसरे पॉइंट की। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा चक्र क्या है, उसे अपन यहाँ पर कहेंगे पुमंग। क्या कहेंगे, पुमंग, जिसे नॉर्मली आपको एंड्रोशियम के नाम से भी कहते हैं या जाना जाता है। अब पुमंग क्या होता है, पुमंग क्या होता है, मैंने बताया था जहाँ पर हमने जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ी थी या लैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने ये बोला था कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। तो ये जो नर युग्मक है, ये नर जनन चक्र के एंड्रोशियम, इसी में अंदर ही क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नर जनन चक्र या फिर पुमंग कहते हैं। अब देखो, जब ये आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये लंबी लंबी नलिनुमा संरचना दिख रही है, ये क्या कहलाते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुंकेसर। अब जब ये पुंकेसर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए एक साथ में तो क्या कहलाएंगे, पुमंग। बट इसकी अगर सिंगल यूनिट की यानी इकाई की बात करें तो उसे क्या कहेंगे अपन, पुंकेसर यानी स्टैमिन कहेंगे। अगर मैं एक ही सिंगल की बात करूंगा तो उसे क्या बोलूंगा, ओनली पुंकेसर या स्टैमिन कहूंगा। और ये पुंकेसर को एक और नाम जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है, लघु बीजाणु पण या लघु बीजाणु पण के नाम से भी जाना जाता है। अब लघु बीजाणु पण क्या है, नॉर्मली ये पुष्पों में काम ले लेते हैं, जब हाइब्राइफाइट्स के बारे में बात करेंगे, टेरोफाइट के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु पण कहेंगे। किनको, पुंकेसर को, यानी आपकी पुमंग की जो इकाई पुंकेसर स्टैमिन, उसे वहां पर क्या कहेंगे, लघु बीजाणु पण कहेंगे। बट अभी यहाँ पर इसे श्री ओनली पुंकेसर कहा जाता है, जो कि लंबी डंडी नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे अगर पुंकेसर के भाग की, तो यहाँ पर जो आपका पुंकेसर या स्टैमिन है, इसे यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, जिसमें सबसे ऊपर का जो भाग है उसे बोलते हैं प्राकोश या एंथर। क्या बोलते हैं, प्राकोश या एंथर। आपको दिख रहा होगा ये डंडी नुमा संरचना के ऊपर ये प्लेट जैसी संरचना दिख रही है, डिस्क नुमा संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं एंथर। तो इसी एंथर या प्राकोश के अंदर क्या होती है, बीजाणु धानिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बीजाणु धानिया पाई जाती है, जो कि आपके नर युग्मक या परागकण का क्या करती है, निर्माण करती है। इसी के अंदर इसका निर्माण होता है, बीजाणु धानियों के अंदर ही परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि आप क्या कहलाएंगे, नर युग्मक कहलाएंगे। अब जब बात कर रहे हैं किसकी, प्राकोश की, एंथर की, तो इसकी संरचना की भी बात कर लेते हैं कि जो प्राकोश या एंथर होता है, ये आपके दो पालियों में बटा होता है, मतलब दो भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। जो देखो इसके डायग्राम में देखो, आपको एक पाली तो यहाँ दिखाई दे रही होगी और एक पाली ये दिखाई दे रही होगी। तो ये एक पाली है पूरी और ये दूसरी पाली है, जो कि ये ऊपर का डायग्राम बिल्कुल यहाँ पर ये वाला यहाँ बना दिया मैंने, इसमें एक पाली तो ये वाली है और एक पाली ये वाली है। और एक बात और ध्यान रखना, मैंने बताया कि प्राकोश में क्या पाई जाती है, बीजाणुधानियां, और इन बीजाणुधानियों के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। बट इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको दिख रहा होगा कि दो पालियों में बटी होती है, तो एक पाली में क्या होती है, जो बीजाणुधानियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, दो होती है। कितनी होती है, दो। अगर यहाँ पर दो पालियां हैं तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो परागकोश है या एंथर है, इसमें कितनी बीजाणुधानियां पाई जाती है, चार बीजाणुधानियां पाई जाती है, जो किसका निर्माण करती है, परागकणों का निर्माण करती है।
ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने कि प्रत्येक बीजाणुधानी में परागकणों का या बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, जो कि आप क्या कहलाते हैं, नर युवक कहलाते हैं, जो कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब पार्ट करते हैं अपन योजी की, यानी कनेक्टिव की, कि योजी क्या होता है। पहला पार्ट होता है परागकोष, दूसरा पार्ट क्या है, योजी या कनेक्टिव। तो आपको देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला यहाँ मैंने दोबारा बना दिया है, तो ऊपर वाले को अपन क्या बोलते थे, एंथर। अब जो ये नीचे वाली डंडी नुमा जो पार्ट है उसे यहाँ पर फिलामेंट बोलेंगे, अभी बात करें उसकी फिलामेंट। तो देखो जहां से ये फिलामेंट और एंथर जुड़ रहा है, ये छोटी सी जगह पर, यहाँ पर जहां पर ये एंथर और ये फिलामेंट जुड़ रहा है ना, उसे क्या कहेंगे अपन वहां पर, कनेक्टिव या फिर क्या कहेंगे, योजी कहेंगे। अब योजी का काम क्या गया, तो बस इसका एक काम है, यह पूतंतु, पूतंतु किसे कहते हैं, फिलामेंट को, यह पूतंतु या परागकोष, परागकोष तो आप कहते हो, कहते हैं कि पूतंतु और परागकोष को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है, बस इसका इतना ही काम है। अब लास्ट के सबसे लास्ट का जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, पूतंतु या फिलामेंट। अब आपको ये देख रहा होगा जो पुंकेसर है या आपका जो स्टैमिन है पूरा, इसके ऊपर के पार्ट को एंथर, बीच के पार्ट को ज्यादा जोड़ने वाले कनेक्टिव, और जो लंबाई डंडी नुमा पार्ट दिख रहा है ये बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बिल्कुल डंडी नुमा पार्ट है, यहाँ बना रखा है मैंने, इसे क्या कहते हैं अपन, फिलामेंट या पूतंतु कहते हैं, जो कि आपके नीचे से कहां से जुड़ा रहता है, इस वाले भाग से, यानी पुष्पाशन वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि आपके पूरे किसको, पुंकेसर को, स्टैमिन को, या फिर ऊपर के वाले पार्ट को क्या करता है, सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब ये आपके क्या हो गया, कुमंग वाला पार्ट, यानी एंड्रोशियम वाला पार्ट हो गया, जिसमें अपन नर जनन चक्र कहते हैं। अब जो चौथा पार्ट है उसे अपन जायर कहेंगे, जायर को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, ये मादा चक्र होता है, जिसकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।